लेकिन अभी सरकार बोल रही है इनके पास स्मार्टफोन आना चाहिए और स्मार्टफोन को वो फोटो खींचना और उसको अपलोड करना, दिन में 2 बार हाजिरी लगाना, ये सभी डिमांड रखी है। जिसके पास कान की बालियां थी उन्होंने बेचकर स्मार्टफोन ले लिया, जिसके पास नहीं है वो कैसे ले सकती है? तभी तो काम बंद करके बैठी हुई है घर में, वहाँ पर हमारे खेती नहीं कुछ नहीं है, बाद में गुजारा कैसे करेंगे? ये रोजगार का काम भी नहीं दे रही है, बाद में कैसा गुजारा होगा हमारा? सब्जी का दाम बढ़ चुका है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी पीने के लिए हम 2-3 किलोमीटर जाकर हमको पानी लाना पड़ता है। बीजेपी लोग बोलते हैं हम ऐसा काम कर रहे हैं वैसा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रही है। और मोदी जी रोजगार भी दे रही हैं, सारी चीजें गरीबों को, महिलाओं को। कहाँ कहाँ, जब भी काम मांग करने के लिए जाते हैं बोलते हैं कि यहाँ काम नहीं है, हमको अभी काम मिलना चाहिए, दाम मिलना है, सरकार कौन सा भी आने दो, वो हमको बात नहीं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे चारों ओर देखिए कितनी सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी मनरेगा की महिलाएं, मनरेगा में काम करती हैं। और यहाँ पे ये लोग कर्नाटका से आई हैं, ये जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हैं ये सारी कर्नाटका से हैं। तो हम सभी मांग रहे हैं कि सेव NREGA, ये जो MGNREGA है, हम ग्रामीण उद्योग खात्री बोलते हैं हम कन्नड़ा में, इसको सेव करना चाहिए। हर साल ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में कम कर रही है हर साल। अभी देखिए सिर्फ 60,000 करोड़ रखी हुई है, वो उसमें आधे से ज़्यादा लास्ट ईयर का बैकअप के लिए ही जाता है। तो जब इतना थोड़ा पैसे रखते हैं तो पंचायत में काम नहीं देते हैं। जब भी बोलते हैं, जब भी काम मांग करने के लिए जाते हैं बोलती है कि यहाँ काम नहीं है करके उनको वापस भेज देते हैं, ये यूजुअल चल रहा है। दूसरा ये है कि ये जो आप मजदूर देख रहे हैं इधर, महिलाओं को देख रहे हैं, ये सभी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सब में ये लीडरशिप क्वालिटी है। तो अपने लीडरशिप क्वालिटी से वो लोग अपने लोगों को मिला के सबको पंचायत ले जाते हैं, काम मांगते हैं और NMR भरते हैं, तो काम सबको मिल रहा था। लेकिन अभी सरकार बोल रही है इनके पास स्मार्टफोन आना चाहिए और स्मार्टफोन को वो फोटो खींचना और उसको अपलोड करना, दिन में 2 बार हाजिरी लगाना, ये सभी डिमांड रखी है सरकार, वो मैंडेटरी कर दिया है। तो ये लोग जो जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो अपने लोगों को लेके नहीं जा सकती है। जैसे कि एक महिला है जो शायद नहीं आई है, वो अपनी कान के ये बेच के उसको स्मार्टफोन खरीदना पड़ा। और हमारे यहाँ एक गांव है जहाँ 150 मजदूर काम करते थे, अभी 3 मेट्स थे, तीनों के पास भी ये नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, इसीलिए उनको अभी 150 लोगों को इस साल में एक दिन भी काम नहीं मिला, क्योंकि इनके पास उनकी इनकम कितनी है जो सरकार स्मार्टफोन की डिमांड करेगी? क्योंकि इनकम भी तो आपके पास अगर आय की साधन होगी, आपको 10-15-20 हज़ार रुपये महीने मिल रहे हैं तब तो आप खरीद पाएंगे स्मार्टफोन। हाँ, तो वो लोग कहाँ से, जो इन लोगों के पास है, ये लोग कैसे स्मार्टफोन खरीद पाते हैं? वो सरकार, इसका आंसर सरकार देना चाहिए। जैसे आपने बोला कान की बालियां बेच के करते हैं, तो ये सारी इसी तरीके से जमा की होगी, क्योंकि आपने बोला जो मतलब स्मार्टफोन उसको चाहिए था, उसको काम करना ही था, तो उसने ऐसे किया। जिसने इसे नहीं किया, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो काम नहीं मांग सकी। जिसके पास कान की बालियां थी उन्होंने बेचकर स्मार्टफोन ले लिया, जिसके पास नहीं है वो कैसे ले सकती है? तभी तो काम बंद करके बैठी हुई है घर में। इसलिए हमारे गांव में, बेलगांव से तकरीबन हमारा गांव 28 किलोमीटर है, अंदर जंगल में है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ पर हमारा 120 कामगार काम करते हैं रोजगार का। आपने बोला नेटवर्क नहीं आता है, तो हाँ। फिर कैसे हाजिरी कैसे लगाते हैं आप? लगाते नहीं, अभी हमारा काम बंद था। हाँ। तभी हमने पहले मतलब दूसरों का फ़ोन खरीदी किया हमने आधी रेट पे, और फ़ोन खरीदी करके अटेंडेंस डाले, अभी अभी भी ऐप्स आया है, वो ऐप्स के जरिए हमारा अभी 2 महीने का पेमेंट नहीं हुआ है, तकरीबन 737 हाजिरिया। कितने लोगों का, कितना 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 पेमेंट है आप लोगों का 2 महीने का बकाया? 700 हाजिरिया हमारी, 700 से 1,000। अच्छा, इतनी हाजिरी हुई है अभी। हाँ। तक 1 रुपये भी जमा नहीं हुआ है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर ये आधार बेस का ये डाले है अभी। हाँ। फेब्रुवरी से। हाँ। उसके पहले हमें काम नहीं दिया था। हाँ। अभी दिए है, अभी दिए। हाँ,
तो पैसे पैसे सरकार महीने में दे रही होगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, पेमेंट ही नहीं हुआ है। हाँ, दो महीने की कितनी सैलरी बनती है? 7 से 8 हज़ार बीच में आती है। 7 से 8 हज़ार, तो अभी तक घर कैसे चलाती होंगी आप? कैसे, घर में जो अनाज है वही खा कर जा रहे हैं काम को। बच्चे कैसे पढ़ते हैं? बच्चे सरकारी स्कूलों में, वहाँ से भी बस नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे आ जा कर रहे हैं स्कूल। तो मतलब लोन लेके दूसरों का के पास के पैसा लेके वो बच्चों को पढ़ाना, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। हाँ, है ना, बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी बोलती है हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, रोजगार दे रही है, अनाज दे रही है, 80 करोड़ जनता को अनाज मुफ्त में मिल रहे हैं। मुफ्त में आप लोग को अनाज मिल रही है? मिल रही है, मिल रही है, तो क्या हुआ? यही आधार से, आधार का यही है। 5 केजी दे रहे हैं, वहाँ पर हमारे खेती नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। बाद में गुजारा कैसे करेंगे? ये रोजगार का काम भी नहीं दे रही है। हाँ। बाद में कैसा गुजारा होगा हमारा? इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट तो अच्छा काम करी, वो बोल रही है हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर रही है। हाँ। सब्जी का दाम बढ़ चुका है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी पीने के लिए हम 2-3 किलोमीटर जाकर हमको पानी लाना पड़ता है, ऐसे हमारी मजबूरी है। बीजेपी लोग बोलते हैं हम ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रही है ना ही तो ठीक तरह से। इससे पहले हमें काम मिलता था, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से। इससे पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस में अच्छे खुश थे सब? खुश थे हम लोग, कांग्रेस ठीक काम करती थी। हाँ, काम करती थी कांग्रेस, ठीक थी। हाँ। मनरेगा में उस समय काम मिलता था। हाँ। तो अब नेक्स्ट बार कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को क्यों नहीं जिताते? आउट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर हियर आस्किंग फॉर अ जॉब। ये आपको नॉट हियर फॉर यू नो फॉर होम वी आर गोइंग टू। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपके साथ गवर्नमेंट ही गलत कर रही है? नो, नहीं, आपके साथ हम गवर्नमेंट को बोलेंगे ठीक करो। हाँ, आप लोग गवर्नमेंट को सुधारेंगी? हम गवर्नमेंट को बोलेंगे ठीक करो। हाँ, ये वही मांग लेके यहाँ तक आए हैं हम। हाँ, वही बोलेंगे बार बार। सरकार हमारी सरकार एक ही है। कौन सी सरकार? हमारी सरकार है, संगठन की। मतलब आप लोग सरकार बदलेंगी? नहीं बदलेंगे हम, हमारी यही सरकार, यही आप लोग अपनी सरकार बनाए। अदन माताड़ बेटा, अदन माताड़। हाँ, क्या सरकार से खुश नहीं है तो बोलेंगे ना? हम बोल रहे हैं ना, ये एक कानून है जो हमारा राइट टू एम्प्लॉयमेंट कानून है, ये वो मिलना चाहिए। या कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, या जेडीएस हो, कुछ भी हो, हमको वो फर्क नहीं पड़ता। हमको ये जो कानून में पहले से लिखा हुआ है वैसे रहना। ये डिजिटलाइजेशन जो हो रही है उसको हम विरोध करेंगे। वही तो बोल रही हूँ मैं, 5G जो है, मोदी जी ने 5G लॉन्च किया है और हर घर में 5G जो नेटवर्क है वो शायद दिल्ली के हर घर में होगा, हमारे गाँव के हर घर में नहीं मिल रहा है। हाँ, गाँव में मिलना चाहिए। और मोदी जी रोजगार भी दे रही हैं, सारी चीज दे रही हैं, गरीबों को, महिलाओं को। कहां कहां आप शायद देश के बाहर कहीं दे रहे हैं। हम देखिए, हाँ हाँ, यहाँ जो इन्होंने बोला, हाँ ये सच बोल रही हैं, क्योंकि वो हाँ हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ नेटवर्क नहीं है। तो बीजेपी झूठ बोलती है? आपको पता, हमें नहीं पता, हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है तो हम कैसा बोले कि हमें नेटवर्क मिल रही है? नहीं बोल रही है बीजेपी। आप क्या बोल रही है? बीजेपी कांग्रेस है दो नहीं, एक किच दोन भी एक किच का दो है नहीं एक किच। हमको क्या काम चाहिए? हमको क्या पेट भरना चाहिए? तो आपको क्या लगता है? आप तो बहुत टाइम से अलग अलग जगहों से महिलाएं आ रही हैं, आ रही हैं, मुझे जहाँ मालूम है 1 महीने से ऊपर हो गया आ रही हैं महिलाएं, तो इसके बाद कुछ सुनवाई हुई है आप लोगों की? क्या हुई है सुनवाई आपकी? यहाँ तो अभी तक नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई, नहीं हुई है। तो आपको क्या लगता है कब तक आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा? हम तो कम से कम 100 डेज यहाँ बैठेंगे। बोलेंगे ना गवर्नमेंट गलत कर रही है? बोल रहे हैं हम, तो गवर्नमेंट बदलेगी या फिर उसी गवर्नमेंट को सुधारेगी, क्या करेंगे आप? मुझे वो सभी नहीं पता, हमको सिर्फ ये चाहिए, हमको काम चाहिए। कौन सा सरकार आने दो, हमारा काम करना चाहिए। कौन सा? बीजेपी आने दो, कांग्रेस आने दो। बीजेपी तो है ही नहीं, अभी है, लेकिन मध्यमदार मुन तिलसोदेनंतंद्र ना राजकीय आगे ना इलेक्शन कुंद्रक बंदिल्ल, इलेक्शन बदल ना मातनाडक इल्ल, ना वोटिंग बंदिल्ल, अथवा ना इलेक्शन बंदिल्ल। बोल रही है, वो बोल रही है, हम इलेक्शन के बारे में या वोटिंग के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम अपना
काम एनआरई जी जो काम देना चाहिए वो मांगने आए हैं बस। तो वो कौन देगी? सरकार देगी। सरकार देगी बस। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, सरकार से आप खुश हैं या नहीं हैं? अरे बोल रही है, आपको पता चला अभी हम खुश हैं या नहीं हैं? आप उसी सरकार के साथ रहेंगे कि सरकार बदलेंगे या सरकार, क्योंकि आप लोग इतने दिन से आ रहे हैं सरकार सुन तो नहीं। सरकार बदलने का हमारा अकेले का काम नहीं, सब लोग मिलके वो बनाएंगे, लेकिन हमारा क्या काम है? ये देखो अभी बजट सरकार बढ़ाना चाहिए था, ज्यादा लोग बढ़ गए हैं काम करने वाले, तो बढ़ना चाहिए था तो कम कर रहे बजट। बोला तो सरकार लेके क्या करेंगे, हमारा काम में होना चाहिए, हमको अभी काम मिलना चाहिए, दाम मिलना है, सरकार कौन सा भी आने दो वो हमको बात नहीं। सारी महिलाएं कर्नाटक से, और कर्नाटक में आपको मालूम है किसकी सरकार है, और वहाँ पे ये लोग बोल रही हैं कि हम लोग 100 दिन तक धरना देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे हमारी मांग पूरी करने के लिए। इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।